डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लोरोफॉर्म के बारे में पढ़ रहा था कि क्लोरोफॉर्म क्या है, उसका निर्माण कैसे किया जाता है। तो हम लोग को पहला टॉपिक्स था निर्माण, ये हम लोगों ने कर लिया था कि क्लोरोफॉर्म का निर्माण कैसे होता है। अब उसके नीचे, क्लोरोफॉर्म के नीचे दूसरा पॉइंट्स बनाया जाए, इसमें हम लोग अणुसूत्र के बारे में लिखना प्रारंभ करेंगे। अणुसूत्र के बारे में लिखेंगे, CHCl3 होता है, इसका अणुसूत्र क्या होता है, CHCl3। ठीक है, जैसा कि जानते हैं क्लोरोफॉर्म का जो निर्माण होता है वो क्लोरल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। किसको? तो क्लोरल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराने पे क्लोरोफॉर्म बनता है। अब क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र देख लिया क्या होता है, CHCl3। अब थर्ड में लिखा जाए इसका संरचना कैसे बनता है, तो CHCl3 का जो संरचना बनता है, एक ही कार्बन से हाइड्रोजन जुटा हुआ है और 3 क्लोरीन जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कार्बन अकेला है, एक तरफ किधर भी हाइड्रोजन जोड़ देना है और क्लोरीन कितना जोड़ना है, 3। देख पा रहे होंगे इसका जो फार्मूला होता है, अणुसूत्र होता है CHCl3, उसको हम लोग इस तरीके से संरचना बनाते हैं। ठीक है, अब जरा चलते हैं अगले नंबर में कि आखिर क्लोरोफॉर्म की आकृति कैसी होती है। आकृति का बात करें तो इसका जो आकृति होता है वो सिंगल पिरामिड के जैसा होता है। जैसे मान लिया कि यहां पे ऐसे, ये है, यहां पे 1 है 2 है 3 है 4, एक कहीं भी क्या है हाइड्रोजन है और बाकी कहीं सीएल है। जैसे मान लिया यहां पे कार्बन होता तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ होता ऐसे ऐसे, यहां पे हाइड्रोजन जोड़ दिया क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे सीएल है, यहां पे सीएल है और यहां पे सीएल है। तो कुल मिलाकर इसका आकृति कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो ये एक सिंगल पिरामिड के जैसा इसका आकृति बनता है, आप देख पा रहे होंगे। तो कुल मिलाकर हम लोगों का आकृति के बारे में पता चला कि इसका जो आकृति होती है वो कैसी होती है। तो हम ये लिख सकते हैं कि इसका जो आकृति होती है वो चतुष्फलकीय होती है। चतुष्फलकीय, इस आकृति को क्या बोलते हैं हम लोग, चतुष्फलकीय। तो अगर कोई पूछेगा भाई कि क्लोरोफॉर्म की जो आकृति होती है कैसी, चतुष्फलकीय। अब लिखेंगे नेक्स्ट नंबर 5 में, 5 नंबर में किसका गुण क्या क्या है। तो गुण के सामने एल देंगे, लिखेंगे यहां से क्लोरोफॉर्म के निम्नलिखित गुण है, क्लोरोफॉर्म के निम्नलिखित गुण है, पहला इसे सूंघने पर बेहोशी आ जाती है, इसे सूंघने पर बेहोशी आ जाती है। दूसरा, यह एक रंगहीन द्रव है, रंगहीन का मतलब कलरलेस है, यह एक रंगहीन द्रव है। तीसरा, इसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है। तीसरा में लिखेंगे इसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है। चौथा, क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक 334 केल्विन होता है,
तो बात किया जाए कि क्लोरोफॉर्म का गुण क्या है, तो आपको पता होना चाहिए हम लोग इसका यूज क्या करते हैं, बेहोशी छाने में, बेहोश करने में करते हैं। अक्सर होता होगा ना, आप सुने होंगे कि कहीं ट्रेन में कोई सफर कर रहा था, उसको कुछ सूंघा दिया और फिर सामान छीन कर ले गया, वो सामान चोरी कर लिया। क्यों? क्योंकि वो रहता है उसके पास क्लोरोफॉर्म, और वही क्लोरोफॉर्म से वो अपने नाक के पास किसी के रख देता है, उसको बेहोशी छा देता है, उसको पता नहीं चलता हम कहाँ हैं, और फिर उसका सामान गायब हो जाता है। तो पहला जो क्लोरोफॉर्म का इम्पोर्टेंट है वो क्या है, जैसा कि एथिल ब्रोमाइड का हम लोग गुण सीखे थे, इसे निश्चेतक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। निश्चेतक बोले तो किसी स्थान के, किसी खास स्थान को शून्य करने का काम जो डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। तो वो कौन सा कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं? एथिल ब्रोमाइड का। उसी तरीके से क्लोरोफॉर्म का एक गुण है कि इसका जो गुण है ये कि ये जो काम करता है किसी को बेहोशी छाने में, किसी को अगर सूंघा दिया जाए तो वो बेहोश हो जाता है। और जैसा कि जानते हैं हम लोग पानी एक रंगहीन है, वैसे ही क्लोरोफॉर्म भी एक रंगहीन द्रव है। और आपको जानना चाहिए कि जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक रसायन में हम लोगों को मिलेगा वो 90% केस में वो रंगहीन ही होता है। तो अगर किसी के भी यौगिक के बारे में बोलेगा तो आप ये बोल सकते हैं कि वो रंगहीन द्रव है, यानी कि ज्यादातर कार्बनिक रसायन, कार्बनिक यौगिक रंगहीन होते हैं। और जैसा कि बोला गया कि इसके अलावा एक इसमें कुछ खास विशेष प्रकार के गंध होते हैं, तो एक अपना प्रायोरिटी है, अपना ये गुण है कि उसमें कुछ खास तरह का भी रहते हैं गंध, और खास करके वो बेहोशी छाने में, बेहोशी लाने में मदद करता है किसी को बेहोश करने में, सूंघने पे। और चौथा जैसा कि लिखे हैं इसका क्वथनांक, क्वथनांक का मतलब उबाला जाए इसको, तो ये 334 केल्विन पे उबलता है। जैसे कि पानी आपका कितना डिग्री सेल्सियस पे उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ केल्विन तो आएगा ना। उसी तरीके से यहाँ पे क्लोरोफॉर्म जो है 334 केल्विन के ताप पर उबलना शुरू कर देता है, ठीक है। जैसे इसी को हम लोग बोलते हैं क्वथनांक, राइट। चलिए अब लिखा जाए कि छठा नंबर में, ये पांचवा का गुण हो गया निम्नलिखित, अब छठा में लिखा जाए उपयोग, उपयोग लेकर एरो देंगे, देखेंगे क्लोरोफॉर्म के उपयोग निम्नलिखित है, क्लोरोफॉर्म के उपयोग निम्नलिखित है। नंबर वन, डॉक्टरों द्वारा रोगी को बेहोश करने में, डॉक्टरों द्वारा रोगी को बेहोश करने में। तो लिखेंगे दूसरा चर्बी या मोम या रबड़, चर्बी कोमा रबड़ या मोम को घुलाने के लिए, विलायक के रूप में, घुलाने के लिए विलायक के रूप में। और तीसरा लिखेंगे प्राइमरी एमीन के परिरक्षण के लिए, प्राइमरी एमीन के परीक्षण, ठीक है। चलिए तो कुल मिलाकर हम यहाँ पे ये लिखे कि क्लोरोफॉर्म का जो उपयोग है वो पहला उपयोग क्या है, तो डॉक्टरों द्वारा रोगी को बेहोश करने में, जैसा कि हम लोग पढ़े कि क्लोरोफॉर्म एक ऐसा यौगिक है जो किसी को सूंघा दिया जाए तो उसको बेहोशी लाया जा सकता है, तो डॉक्टरों द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। किसी रोगी को अगर बेहोश करना है, कुछ ट्रीटमेंट करना है, तो उसको सूंघाया जाता है, ठीक है। चलिए तो फिर क्या लिखे, यह एक रंगहीन द्रव, सॉरी वो तो था उसमें, फिर लिखे क्या कि इसमें जो एक और गुण इसका उपयोग रहता है कि प्राइमरी एमीन को परीक्षण के लिए, टेस्ट के लिए। देखिए कई तरह की टेस्ट होती है ना, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही उसका टेस्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे क्लोरोफॉर्म है, अब इसका किसको टेस्ट करने में उपयोगी होता है? जैसे हमारा ब्लड है, तो ब्लड के टेस्ट के लिए कुछ तो जरूरी होंगी ना,
तो वही चीजें ब्लड के टेस्ट के लिए जो चीज हम लोगों को जरूरी होती है, दैट मीन्स यहां पे भी हम लोग प्राइमरी एमिन के लिए जो टेस्ट करते हैं वो क्लोरोफॉर्म का करते हैं, ठीक है। और फिर लिखेंगे कि चर्बी या मोम या रबड़ को अगर घुलाना होगा, घुलाने के लिए, तो एक विलायक के रूप में काम करता है क्लोरोफॉर्म, यानी कि क्लोरोफॉर्म जो है ना रबड़ को घुला देता है या चर्बी को भी घुला देता है। चर्बी का मतलब मोम, यानी चिकने पदार्थ को घुलाने का काम करता है, ठीक है। ये काम करता है कौन? क्लोरोफॉर्म। तो एक क्लोरोफॉर्म का क्या था? उपयोग। चलिए अब हम लोग आते हैं क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया। तो सातवां नंबर में लिखेंगे अभिक्रिया, सातवां नंबर अभिक्रिया का है। सातवां नंबर में अभिक्रिया। अब अभिक्रिया का नंबर ए लेंगे। अच्छा, यहां पे अभिक्रिया का मतलब समझिए, क्लोरोफॉर्म का अभिक्रिया हम लोग देखने वाले हैं। तो क्लोरोफॉर्म फिक्स रहने वाला है, क्लोरोफॉर्म इज फिक्स। अब उसका किसके किसके साथ अभिक्रिया? तो अलग अलग के साथ अभिक्रिया, ठीक है। क्लोरोफॉर्म फिक्स रहेगा। अब हम उसको किसके किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे? तो पहला ए, ए में लिखेंगे नाइट्रिक अम्ल के साथ। ए में हम लोग लिखेंगे नाइट्रिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला पता है HNO3 होता है, के साथ। इसके नीचे एरो देंगे, यानी क्लोरोफॉर्म तो मेरा टॉपिक है। अब क्लोरोफॉर्म के साथ सातवां नंबर में हम लोग अभिक्रिया सीख रहे हैं, और अभिक्रिया तरह तरह की होंगी, जिसमें पहला किसके साथ कराने वाले हम लोग? नाइट्रिक अम्ल के साथ, जिसका फार्मूला क्या होता है? HNO3, ठीक है। तो पहला फर्स्ट एरो देखेंगे, लिखेंगे फर्स्ट एरो में जब क्लोरोफॉर्म को नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, जब क्लोरोफॉर्म को नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्लोरोपिक्रीन, बोर्ड पे लिखा हुआ है क्लोरोपिक्रीन, जिसका फार्मूला होता है CCl3NO2। देख पा रहा हूं ये डबल ब्रैकेट नहीं है, ये ब्रैकेट है यहां पे कार्बन। क्लोरोपिक्रीन फार्मूला CCl3NO2 नामक विषैले गैस का निर्माण होता है, विषैले गैस का निर्माण होता है। चलिए तो इसका थोड़ा सा रिएक्शन देख लेते हैं, और आपको याद रहना चाहिए, क्या याद रहना चाहिए, कि जब क्लोरोफॉर्म को नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, और क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या? CHCl3। क्लोरोफॉर्म को नाइट्रिक अम्ल के साथ कराना है, तो नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला HNO3। अब इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो आपको देखिए याद रहना चाहिए, फॉर्मूले के साथ साथ आपका उसका नाम भी पता होना चाहिए। ये क्या है? तो ये क्लोरोफॉर्म है। ये क्या है? ये नाइट्रिक अम्ल है। और ये क्या बनने वाला है? तो हम लोगों को क्लोरोपिक्रीन बनने वाला है, और क्लोरोपिक्रीन का फार्मूला बोले तो क्लोरोपिक्रीन का फार्मूला CCl3NO2, ठीक है। अब ये क्लोरोपिक्रीन तो बन गया, जहां पे कार्बन अकेला है, क्लोरीन 3 ठो है, हाइड्रोजन 2 ठो है, तो हाइड्रोजन तो यहां पे नहीं है, तो H2O बाहर निकल जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, और हम लोगों को इसका नाम पता होना चाहिए, दैट इज क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोपिक्रीन, ठीक है। तो आपको इसके नीचे
एग्जाम्पल के तौर पे वही चीजें वही अभिक्रिया दिखा देना होता है कि अगर हम लोग क्लोरोफॉर्म को नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाए हैं, क्लोरोपिक्रिन बना है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब हम लोग आगे चलते हैं नंबर बी अभिक्रिया। नंबर बी में लिखेंगे जिंक और HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया, जिंक और HCl लिखाएगा, लिखेंगे जिंक तथा Zn तथा HCl की उपस्थिति में, की उपस्थिति में अभिक्रिया। बी नंबर में लिखेंगे जिंक तथा HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया, उसके नीचे एरो देंगे, बी का नीचे एरो। जब क्लोरोफॉर्म को, जब क्लोरोफॉर्म को जिंक तथा HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है तो डाइक्लोरोमेथेन का निर्माण होता है, डाइक्लोरोमेथेन जिसका फार्मूला पता है CH2Cl2, क्योंकि Cl दो ठो है इसलिए डाइक्लोरो और कार्बन एक है इसलिए मेथेन, डाइक्लोरोमेथेन का निर्माण होता है। चलिए अब ये दूसरा लिखे हुआ है ना वो बहुत बड़ा अजीब है, आपको लग रहा होगा कि सर ऐसा भी होता है। हाँ भाई, हम लोग तो पढ़े हुए हैं, पहले उत्प्रेरक के रूप में पढ़े हैं ना, तो उसी तरीके से कुछ ऐसे भी कंपाउंड है जो सिर्फ और उत्प्रेरक के रूप में अगर शामिल हो जाते हैं तो उसको कुछ प्रोडक्ट बना देते हैं। जैसे कि इस बार जो हम लोग लिखे यहाँ पे कि सिर्फ CHCl3 है, CHCl3 दैट इज क्लोरोफॉर्म, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म है। और क्लोरोफॉर्म किसके उपस्थिति में काम कर रहा है भाई, तो जिंक और HCl की उपस्थिति में। तो जिंक और HCl की उपस्थिति में अगर यहां पे ये अभिक्रिया कराते हैं, देखिए जब भी उपस्थिति होता है ना हम लोग यहाँ पे बीच में लिखते हैं, तो जिंक और HCl की उपस्थिति में करा रहे हैं हम लोग अभिक्रिया को, तो यहाँ पे कैसे बन रहा है, तो CH2Cl2। इट मीन्स कि यहां पे हम लोगों का दैट इज डाइक्लोरोमेथेन। तो ये चीजें आपको याद रखना चाहिए और याद रखना पड़ेगा क्योंकि लेबोरेटरी या फिर एक्सपेरिमेंटल तो कुछ है नहीं, आपको अभिक्रिया अगर दे दिया गया उन चीजों को रटना ही पड़ेगा कि अगर क्लोरोफॉर्म को जिंक HCl के साथ के उपस्थिति में कराते हैं डाइक्लोरोमेथेन बनता है, अगर यही क्लोरोफॉर्म को, इसी क्लोरोफॉर्म को क्या कराया जाता है किसके साथ, तो नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं क्लोरोपिक्रिन नामक विषैला गैस का निर्माण होता है। और क्लोरोपिक्रिन याद रखना पड़ेगा CCl3NO2, बिल्कुल हाँ, तो वो चीजें याद रखना पड़ेगा। फिलहाल बी के नीचे ये अभिक्रिया लिख दीजिएगा, उसके बाद हम लोग आते हैं सी नंबर अभिक्रिया में। सी नंबर रिमर टीमेन अभिक्रिया, सी नंबर में अब एक नया अभिक्रिया है रिमर टीमेन अभिक्रिया। जरा हम लोग देखते हैं कि रिमर टीमेन अभिक्रिया क्या होता है, रिमर टीमेन अभिक्रिया। अब जरा देखते हैं हम लोग, समझेंगे कि आखिर किसको कहेंगे रिमर टीमेन अभिक्रिया। ठीक है, तो सी के नीचे एरो देंगे, लिखेंगे जब क्लोरोफॉर्म को फिनॉल एवं
सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फिनोल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाए तो सैलिसिल एल्डिहाइड, बताते हैं क्या होता है, अभी आप लिखते चलिए, सैलिसिल एल्डिहाइड, सो सॉरी दिख नहीं रहा है ना, लाइट कट गया, अच्छा ठीक है ट्राई कीजिए, दैट इज सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है, सैलिसिल एल्डिहाइड का निर्माण होता है, अब सी का ये फर्स्ट एरो में लिखे ना निर्माण होता है, और फिर लिखेंगे नेक्स्ट एरो में सी का सेकेंड एरो में, इसे ही रीमर टीमेन अभिक्रिया, कहा जाता है, इसे ही रीमर टीमेन अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए अब हम लोग जरा समझते हैं कि रीमर टीमेन अभिक्रिया क्या है। जैसे कि आपको पता है वुड्स अभिक्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया, तो ये सब अभिक्रिया उसका नाम कहां से पड़ रहा है, तो उसकी पहचान से हो रहा है उसका नाम। इट मीन्स कि अगर मैग्नीशियम से करते हैं तो उसका नाम हो जाता है, उसी तरीके से जिंक से करते हैं उसका अलग अभिक्रिया नाम हो जाता है, ठीक है हम लोग सीखे उसी तरीके से। आज हम लोग सीखेंगे रीमर टीमेन अभिक्रिया के बारे में, और रीमर टीमेन अभिक्रिया में याद रखना चाहिए आपको कि इसमें हम लोग क्या लेते हैं, तो फिनोल लेते हैं, ठीक है फिनोल लेते हैं, जैसे मान लिया कि इस मार्कर को फिनोल और क्षार के साथ अगर अभिक्रिया कराना होगा, किसके किसके साथ, तो फिनोल और क्षार के साथ, तब हम इसको बोल देंगे क्या, रीमर टीमेन अभिक्रिया। मेरा मतलब कि अगर कोई कंपाउंड, कोई यौगिक, अगर वो यौगिक किसके साथ, तो अगर वो यौगिक बात किया जाए तो किसके साथ, तो फिनोल के साथ, या फिर किसके साथ, तो आपका क्षार के साथ अगर अभिक्रिया करता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है रीमर टीमेन अभिक्रिया। जैसे यहां पे हम लोग लिखने वाले हैं, समझने वाले हैं रीमर टीमेन अभिक्रिया क्या है, तो जैसे मान लिया कि यहां पे क्लोरोफॉर्म है CHCl3, दैट इज क्लोरोफॉर्म, और इस क्लोरोफॉर्म को हम लोगों को फिनोल के साथ अभिक्रिया कराना होगा, तो फिनोल क्या होता है, तो बेंजीन रिंग के साथ, ये बेंजीन रिंग हो गया, जानते हैं ना ये बेंजीन का फार्मूला होता है, अगर बेंजीन के साथ OH जोड़ते हैं तब इसका नाम हो जाता है दोस्तों फिनोल, ये क्या है, फिनोल है, ठीक है। अब इसको हम लोग किसके साथ, एक और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, NaOH के साथ कराते हैं, तो क्या बनता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है जान ही रहे हम, तो कुल मिलाकर अगर आपको पता होना चाहिए कि कोई भी यहां कुछ भी चीजें हो, यहां क्लोरोफॉर्म हो, एथिल ब्रोमाइड हो, कार्बनिक यौगिक कुछ भी हो, अगर उसका अभिक्रिया फिनोल और NaOH के साथ कराया गया, आप बोल देंगे कि ये रीमर टीमेन अभिक्रिया है, क्योंकि इसका पहचान यही है। जैसे कि हम लोग अलग अलग तरह का अभिक्रिया किए, उसका पहचान जिंक से हो रहा था, मैग्नीशियम से हो रहा था, उसी तरीके से यहां पे भी आपको जानना चाहिए कि यहां पे जो अभिक्रिया हो रहा है जिसका नाम है हम लोग रीमर टीमेन अभिक्रिया, ठीक है रीमर टीमेन अभिक्रिया, तो इसका पहचान किससे है भाई, तो फिनोल और NaOH के साथ अगर इसको कराएंगे तो हम लोगों को सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। सैलिसिल एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है, कि सैलिसिल एल्डिहाइड का मतलब बेंजीन रिंग बनाओ आप, ये रहा बेंजीन रिंग,
और इस बेंजीन रिंग से एक किसी कार्बन से आप OH जोड़े रहिए और किसी उसके बगल वाले कार्बन से आप CHO जोड़ दीजिए, तब इसका नाम हो जाता है सैलिसिल। सैलिसिल एल्डिहाइड, इसका नाम होता है सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है, तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है और इसके साथ एक और चीज बनता है, 3NaCl प्लस H2O। अब ये जो चीजें बनती है ना, इसको थोड़ा सा बैलेंस कर देते हैं, तो 3Na हो गया, Cl3 हो गया, हाइड्रोजन 2 टू 4, हाइड्रोजन 2 3 4 5 एंड ठीक है, दो चार, हाँ एक यहाँ पे, ठीक है H2O। और ऑक्सीजन का बात करें तो एक दो एक चार, तो एक दो तीन, तीन और एक चार, ठीक ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे सैलिसिल एल्डिहाइड बनाए हैं जो किसके साथ अभिक्रिया करता है, ये रहा क्लोरोफॉर्म, ये रहा फिनॉल और ये रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। जब इतना का अभिक्रिया करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है, और सैलिसिल एल्डिहाइड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि बेंजीन रिंग के साथ किसी एक कार्बन के साथ OH और उसके जस्ट बगल वाला के साथ CHO, दैट इज सैलिसिल एल्डिहाइड। और इसी को हम लोग बोलते हैं कौन सा, इस पूरा को बोल देंगे रीमर टीमैन अभिक्रिया, रीमर टीमैन अभिक्रिया, ठीक है, रीमर टीमैन अभिक्रिया। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इसका भी पहचान है कि फिनोल और क्षार NaOH रहेगा, तो हम लोग इसको बोल देंगे रीमर टीमैन अभिक्रिया। चलिए उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं इसका अभिक्रिया। फिर लिखेंगे नेक्स्ट जस्ट मिनट, क्लोरोफॉर्म में टोटल मिलाकर तीन ही चार अभिक्रिया था जिसमें हम लोग तीन अभिक्रिया पढ़ लिए, तो ऐसा करते हैं क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया को एंड कर देते हैं। तीन तरह का अभिक्रिया पढ़े, दैट इज एनफ, आप इन चीजों को याद रखिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म की जो अभिक्रिया है वो एंड हो गई है, अब हम लोग पढ़ेंगे हेलोबेंजीन के बारे में। हेलोबेंजीन, अब जरा हेलो देखिए, जो हम लोग का चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर है भाई, हम लोगों का जो चैप्टर है वो यही है ना कि हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन। तो हेलो एल्केन का जितना भी पढ़ रहे थे वो हेलो एल्केन की कैटेगरीज में थी, ठीक है, नहीं देख पा रहा ना अच्छा से, प्रॉब्लम है थोड़ा सा, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, जितना दिख पा रहा होगा दिख पा रहा होगा, नहीं दिख पा रहा होगा तो आप कमेंट कर देना या फिर मैसेज कर देना, सर ये चीज दिखा नहीं था हम आपको बता देंगे, ठीक है बता देंगे। तो हम ये बोलना चाह रहे कि जो हम लोग पढ़ रहे थे वो हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन चैप्टर था, हेलो बेंजीन, ठीक है। हम लोगों ने जो अभी तक के पढ़ा, एथिल ब्रोमाइड, क्लोरोफॉर्म, उसके पीछे की IUPAC नाम, ये सब जितना भी सारा, वो हेलो एल्केन का बात था। क्योंकि ये चैप्टर का नाम भले है हेलो एल्केन हेलो बेंजीन, लेकिन हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज करके पढ़ते हैं। इसमें हम लोग बहुत सारे अभिक्रिया के बारे में पढ़ा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विलोपन, धातु के साथ, बहुत सारा। उसी तरीके से एक पार्ट है जिसका नाम है हेलोबेंजीन, ठीक है। तो इस हेलोबेंजीन वाले जो टॉपिक्स है उसको आज यहीं तक छोड़ देते हैं ड्यू टू प्रॉब्लम, देखिए देख पा रहे हैं आप, आपके सामने प्रॉब्लम जो क्रिएट हुआ है, तो इसी के वजह से हम तो सोच रहे थे हेलोबेंजीन में कुछ टॉपिक सब लोग पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा भी कुछ टारगेट रहता है कि अगर एक दिन में इस टॉपिक्स तक पहुंचते हैं तो हम लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आगे, लेकिन फिर भी आज के क्लास को यहीं तक एंड करना पड़ेगा मजबूरन। तो हेलो बेंजीन वाले जो टॉपिक्स है उसको हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे,
तब तक के लिए आज तक इतना ही, धन्यवाद।